से कम डाउन पेमेंट में सर आपको 17,496 रुपया आप डाउन पेमेंट करते हैं, 3,367 रुपया, 3,367 रुपये का ई एम आई आने वाला है गाइस। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीके भाई का, देख सकते हैं आपके सामने प्रेजेंट है टीवीएस एंड टॉप जो रेस एफपी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। नई आई हुई देख सकते हैं फुल ब्लैक में आपको ये देखने के लिए मिल रही है, जो अलॉय व्हील आपको ऑयल में देखने के लिए मिल जाती है, काफी खूबसूरत लग रही है। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं इसकी फाइनल डिटेल। अगर आप लोग इसकी कंप्लीट रिव्यू देखनी है तो मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना, मैंने पहले से कंप्लीट रिव्यू करके इसकी वीडियो अपलोड कर दिया। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसकी जो है डाउन पेमेंट और ईएमआई क्या होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो है हम लोग पहले बुला लेते हैं आलोक भैया को, जो हमें फाइनेंस डिटेल समझाने वाले हैं इसका, जो डाउन पेमेंट है और ईएमआई है क्या होने वाली है, वो एक फाइनेंसर है। तो आलोक भैया प्लीज कम। आलोक भैया पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। तो अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो है न्यू स्कूटी आई है जी भैया, तो इसकी प्राइस क्या आ रही है अभी? इसकी प्राइस है 1,23,000 के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है जी भैया। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कर ले कि अगर इसकी डाउन पेमेंट है तो कम से कम कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जो लो डाउन पेमेंट है वो क्या आने वाली है? कम से कम डाउन पेमेंट में सर आपको 17,496 रुपये आप डाउन पेमेंट करते हैं। 17,496 रुपये का डाउन पेमेंट आने वाला है गाइस। हाँ, 12 महीने के लिए आपको 10,242 रुपये आ जाएगा। 10,242 रुपये का, ठीक है। और एक 24 महीने का है जो 5,649 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और कोई ईएमआई? ये और एक 36 महीने का है जो आपको 4,131 महीने का आ जाएगा। 4,131, हाँ, जो 3 साल के लिए है। और 36 महीने का, हाँ, 48 मंथ के लिए भी है। 48 मंथ के लिए है आपका है 3,367 रुपया। 3,367 रुपये का ईएमआई आने वाला है गाइस। 48 मंथ के लिए थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा इसमें जा सकता है, बाकी जो है डाउन पेमेंट भी कम होने वाली है 17,000 के आसपास, जैसा कि भैया ने बताया कि डाउन पेमेंट आने वाली है, और 3,300 के आसपास जो है ईएमआई आने वाली है। 48 मंथ के लिए लोन होता है ना जी सर, उससे ज्यादा तो नहीं होता, बहुत ज्यादा फिर इंटरेस्ट चला जाएगा। हाँ हाँ। मुझे लगता है इसी में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा चला जाता है। अच्छा आलोक भाई, जो एक डाउन पेमेंट आपने बता दी कि 17,000 का जो डाउन पेमेंट है और 3,300 के लगभग जो है आपको ईएमआई आने वाली है जी, और कोई डाउन पेमेंट? हाँ, क्यों नहीं, एक 27,260 रुपया है, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा। हाँ, हाँ, 10,000 सेकंड डाउन पेमेंट 10,000 रुपया ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं आप। ईएमआई आ जाएगा आपका 9,311 रुपया 12 महीने के लिए। 9,311, और एक 24 महीने का है 5,144 रुपया जो आपको 24 महीने में कर सकते हैं, ठीक है। और एक 36 महीने का है 3,755 रुपया। 3,755, हाँ। एक और 48 महीने का है 3,061 रुपया। अच्छा, 48 महीने के लिए भी है। हाँ, 3,061 रुपया, 3,061 रुपये का ईएमआई आने वाला है और 27,000 का डाउन पेमेंट। तो ये हो गई सेकंड डाउन पेमेंट और ईएमआई की जानकारी। तो अच्छा लोग भाई, एक चीज और जानते हैं कि आपने जो है दो तरह की डाउन पेमेंट बता दी, एक तो है 17,000 की डाउन पेमेंट थी और एक 27,000 के लगभग डाउन पेमेंट थी जी। अब जानते हैं कि जो एक नो हाइपो वाला सिस्टम आता है वो यहाँ मिलेगा या नहीं? क्यों? हाँ, एकदम मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको 50% डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको नो हाइपो में ये केस हो जाता है, जिसपे आपको फाइनेंसर का नाम चढ़कर नहीं आता है, जो ऑनर बुक पे आता है, जो अदर फाइनेंसर, किसी किसी फाइनेंसर में अवेलेबल है, किसी किसी फाइनेंसर में। हाँ, वही मैं आपको बता दूंगा कि काफी शोरूम में आपको ये ऑफर नहीं मिलने वाली है कि जो नो हाइपो का सिस्टम है 50% डाउन पेमेंट करते हैं तो भी आपको नो हाइपो मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, वो आपके सिविल के ऊपर भी कोई कोई बैंक में डिपेंड करती है कि अगर सिविल आपका अच्छा होगा तो नो हाइपो मिल जाता है, बाकी काफी सारे बैंक जो है नहीं देते हैं, शायद मुझे L&T बजाज यही सब लगता है देते हैं। हाँ, दो तीन जो है बैंक आपको नो हाइपो के नाम से लोन दे देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके ऑनर कार्ड के ऊपर फाइनेंसर के बैंक का नाम छप के नहीं आता है, और हाइपो का जो चार्ज 500 रुपया होता है जो लोन करवाने समय, वो भी आपको नहीं लगता। तो ये हाइपो का एक सिस्टम है। तो अच्छा, जो 50% डाउन पेमेंट है वो क्या आने वाली है डाउन पेमेंट? लगभग 50% आप डाउन पेमेंट करते हैं तो लगभग 64,363 रुपया आपको डाउन पेमेंट आ जाता है। 64,363 रुपया आपका डाउन पेमेंट आने वाला है। और ये मैं आपको बता दूं गाइस, इसमें ही जो है आपको क्या होता है कि जो डाउन पेमेंट में आपको प्रोसेसिंग जो पेपर वर्क का चार्ज होता है वो ऐड होता है ना। हाँ,
क्योंकि डाउन पेमेंट का समय क्या होता है कि जो फाइनेंसर के जो प्रोसेसिंग चार्ज होते हैं बस वो डाउन पेमेंट में ही ऐड कर लेते हैं, बाकी ईएमआई जो आपका लोन होता है उसी का आपका ईएमआई कटता है। तो ये डाउन पेमेंट जो ये बता रहा है जैसा कि 50%, तो 120,000 और 21,000 की जो है स्कूटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है, इसका 50% लगभग डाउन पेमेंट आएगा 60,000 से 61,000। हाँ। लेकिन भैया बता रहे हैं कि 64,000 का जो है डाउन पेमेंट आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जो 2,000 से 2,500-3,000 एक्स्ट्रा लगता है वो पेपर वर्क का जो चार्ज है वो लग जाता है ना जी। तो अब बता सकते हैं आप क्लियर की क्या डाउन पेमेंट आ रही है? डाउन पेमेंट 64,363 आ जाएगा, 64,363 रुपए का, और 12 महीने का ईएमआई आ जाएगा आपका 5,773 रुपए, 5,773 रुपए, और एक 24 महीने का है जो 3,190 रुपए के आसपास आ, 3,190 रुपए के लिए है। और ये मैं भी आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो लोन होता है 2 साल के लिए, 2 साल, उसमें आप चाहे तो 18 महीने के लिए करवा सकते हैं या 12 मंथ के लिए भी करवा सकते हैं या 24 मंथ के लिए करा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर आप नहीं जा सकते हैं, जो 2 साल के लिए ही आपको लोन होगा। तो यहाँ पे जो गाइस हम लोगों ने जान लिया कि आलोक भैया ने जैसे कि बताया कि डाउन पेमेंट और ईएमआई क्या होने वाली है, अब हम एक चीज और जान लेते हैं, हमारा जो मेन सवाल होता है और आप लोग का भी होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5.55 से लेकर आपको 8.10 आएगा सर, 8.10 तक जा सकता हाँ। है जो मैक्सिमम है, जैसे आप टेन्योर बढ़ाते हैं वैसे आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट आके बढ़ता है। और जिनकी सिविल वगैरह अच्छी हो उनके लिए, उनको सिविल बेटर है उनका 5.55 वाला स्कीम आ जाएगा, और जिनका सिविल थोड़ा कम है फर्स्ट टाइम जो लोन ले रहा है, पहली बार लोन ले रहा है उनके लिए, उनको 8.10 वाला, 8.10 तक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने वाली। आईडी क्या क्या लेकर के आनी होती है अगर लोन करवाने आते हैं? लोन करवाने आ रहे हैं तो आईडी आपको आधार पैन, बिजली बिल और साथ में एक बैंक पासबुक होना जरूरी है, एटीएम वगैरह। हाँ, एटीएम एक इमेंडेड का प्रोसेस होता है, जो एटीएम और 2 फोटो वगैरह लेकर के आनी होती है, तो इतना जो बिजली बिल वगैरह तो लेकर, हाँ बिजली बिल, तो इतना जो आपको डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा क्या क्या लेकर के आनी है। अच्छा, हमारे किसी अगर व्यूवर्स को अगर बाइक लेनी हो या स्कूटी लेनी हो तो आप यहाँ का जो एड्रेस है एक बार बता दें कि कहाँ आना पड़ेगा? सगुना मोड़ अंबेड हाउस, संगीता टीवीएस आपको दिख जाएगी। ये जो शोरूम का नाम है गाइस संगीता टीवीएस के नाम से शोरूम है जो पटना सगुना मोड़ के पास में है, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ की सारी जानकारी आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रही होगी, या फिर आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब देखने के लिए मिल जाएगा। तो फाइनली जो है आलोक भैया ने हमें काफी अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो डाउन पेमेंट है, ईएमआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी तरह की जानकारी तो अभी बची नहीं है। तो चलिए आलोक भैया आपका धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए, आप जा सकते हैं। ठीक है, फाइनली आपको इस स्कूटी से रिलेटेड सारी जानकारी देखने के लिए मिल गई गाइस, कि जो डाउन पेमेंट है, ईएमआई है, क्या होने वाली है, वो सारी जानकारी मिल गई। किसी तरह की अगर जानकारी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर लेना, इंस्टाग्राम का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल रहा होगा। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के बाइक्स, कार्स और स्कूटी की अपडेट देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।